नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर है, वो एनडीए इंग्लिश को इस बार की समय में कैसे कवर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों एनडीए का जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश का गेट के पेपर में खास करके बहुत बड़ा वेटेज रहता है, 200 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, अब इस 200 मार्क्स को आप कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज का जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूं उसमें अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 150 तक पहुंच सकते हैं। 200 में 200 आप नहीं पहुंचिएगा क्योंकि अभी कम समय है दोस्तों, फेंकने वाली बातें नहीं होगी इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों जब आप एनडीए के एग्जाम को देखिएगा, ठीक है, आई होप आपको इधर से दिख रहा होगा। एनडीए के एग्जाम में आपको करना क्या है, देखो अगर आप गौर से देखोगे इंग्लिश के पेपर में तीन चीज है, एक दोस्तों है वोकैबुलरी का सेक्शन, एक है दोस्तों आपको ग्रामर का, और एक दोस्तों आपका है मैथ का। ठीक है, इन तीनों को अगर आप ठीक ढंग से देखोगे और पढ़ोगे ना, आराम से हो जाएगा। देखो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, जैसे आप वोकैबुलरी बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में कोई बता रहा होगा कि यहां से पढ़ लो, कोई बता रहा है वहां से पढ़ लो, कोई बता रहा है यहां से पढ़ लो, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना। देखो वोकैब में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोस्तों, इस दो चीज के लिए आपको किस पे रिलाई करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है, पिछले साल का जो क्वेश्चन है 2008 से लेकर 2024 तक, ठीक है 24 तो अभी हुआ नहीं, 2023 के सेकेंड तक, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इन सारों को आप कवर करोगे। कैसे कवर करोगे, मैं वो करवा रहा हूं, तो इसमें ऑलमोस्ट दोस्तों आपको बहुत सारे वोकैब्स मिलेंगे, इसको आप डिटेल एनालिसिस कर लेना। जैसे चार ऑप्शन दिया एक क्वेश्चन को, जैसे मैंने लिख दिया रैपेसिटी, रैपेसिटी मैंने लिख दिया दोस्तों। अब इसका बहुत सारा ऑप्शन दिया, एक दिया है दोस्तों हेट, एक ऑप्शन दिया दोस्तों ग्रीड, है ना, इस तरह की चीजें ऑप्शन दोस्तों दिया है। ठीक है, ग्रीड दिया लेकर दोस्तों, ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, सारे ऑप्शन को आपको एनालाइज करना है और उसके लिए एक कॉपी में उसको नोट कर लेना, जैसे मैं कवर करा रहा हूं उसका वीडियो आज अपलोड होने वाला है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आपको ये करना है 2008 से लेकर 2023 सेकंड तक। ठीक है, अब इसमें अगर 20 क्वेश्चन दोस्तों आने जा रहा है, ओके दोस्तों 20 क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 12 से 15 क्वेश्चन दोस्तों सही सही बना दोगे, गारंटी। 20 में 20 नहीं बना पाओगे क्योंकि दो तीन क्वेश्चन, या हो सकता है 16-17 भी आप बना दो, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना, जो मैं बता रहा हूँ 2008 से लेकर 2023 सेकंड तक ही करना है। अगर ज्यादा दिल में याद रहे कि नहीं मुझे और करना है तो याद भी तो करना पड़ता है ना, तो यू हैव टू गो थ्रू सीडीएस पेपर्स। ठीक है दोस्तों, सीडीएस के जो पेपर है उसको आप कर लो, उसके जो पीवाईक्यू वही करो और उसके डिटेल एनालिसिस वो चारों ऑप्शन के करो, उसके अलावा किसी भी रिसोर्स से मत पढ़ो, अभी बेफिजूल होगा वो पढ़ना, ओके। इसके बाद दोस्तों सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, अब इडियम्स फ्रेजेस की बात मैं अगर आपसे करूं तो आपको इसके लिए ये अनसर्टेन है, कहां से पूछेगा ये नहीं मालूम मुझे भी, लेकिन दोस्तों एक किताब आती है अमेरिकन फ्रेजेस करके या अमेरिकन इडियम्स एंड फ्रेजेस करके, उससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मुझे मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करना है, एनडीए सीडीएस और एफ कैट में जो भी पिछले साल पूछे गए उसी को याद करके जाना है, इतना ही करना है, इसके अलावा आप कुछ नया मत पढ़ना, उसी में से अगर ईश्वर की कृपा होगी टकराएगा, नहीं तो नया पढ़ोगे सब बेकार हो जाएगा। अब दोस्तों ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में मुख्यतः कॉमन एरर आ जाते हैं, कॉमन एरर के लिए करना क्या है दोस्तों, देखिए अभी आपके पास समय है, आप एक पार्टिकुलर कोई किताब पकड़ो गोविंद प्रसाद सिंह का, है ना, आप उसको पूरा कवर कर लो, नहीं होगा तो मेरे पे छोड़ दो, मैं मोस्ट 150 रूल्स करा दूंगा आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके लिए भी सेम पैटर्न करना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस 2008 से लेकर 2023 सेकंड तक जो भी पीवाईक्यू आए हैं उन सारे का एनालिसिस आप करने जा रहे हो, सबको एनालाइज करोगे, सबका नोट्स बनाओगे, जो इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बना लोगे और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, तो ग्रामर में आई थिंक आपका हो जाएगा, कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स इसी बेसिस पे हो जाएगा क्योंकि ये कवर हो जाएगा, इसी भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे, ओके। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मैट की बात करें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें दोस्तों कई बार पेसेज पूछा जाता है, कई बार क्लॉज टेस्ट पूछा जाता है, कई बार दोस्तों आपका अरेंजमेंट पूछा जाता है, ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा आपको मैं बताता हूं दोस्तों, इसके लिए भी सेम पैटर्न पकड़ना है, 2008 से लेकर 2023 सेकंड तक जो भी अरेंजमेंट आए हैं उसके एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर अच्छा खुश हुआ तो केवल ऑर्डर इन सेंटेंस पूछेगा, नहीं तो पैर एग्जांपल पूछेगा, उसको सेट निकालकर आप पूरा कर लो, आराम से बैठकर 10 क्वेश्चन होंगे और उसको कर लो, सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे बनाएं अगर इसका वीडियो आप चाहते तो मैं दे दूंगा, 10 क्वेश्चन आपको डेली से अभी करना है।
ठीक है, मुश्किल से मैं मानता हूं कि अगर 40 सेट हुआ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, 40 सेट हुआ तो 400 आपको ये हो जाएंगे अरेंजमेंट। अगर तो इसका मतलब अगर ये दो ही क्लोज टेस्ट एक ही रहे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 40 से 50 क्लोज टेस्ट। अगर पैसेज मिल रहा है पीवाईक्यू में तो पैसेज को भी ऑलमोस्ट, कहने का मतलब यह है कि अभी नया मत कुछ पढ़िए, पिछले साल का जो भी प्रश्न पत्र देखो, अरेंजमेंट पैसेज इन सबों में मुफ्त का नंबर आप उठा सकते हो, अगर थोड़ा सा आप रिवीजन करो तो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो, आज से भी अभी टाइम है मेरे भाई, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे इसमें आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से अभी आप इंग्लिश पढ़ो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, इधर क्लोज टेस्ट अरेंजमेंट का टेंशन खत्म हो जाएगा अच्छे से कर लोगे, और कॉमन एरर का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि पेपर को करना क्या है एक्चुअली में, कैसे करना है, ये भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा आपके लिए। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़िए, आप नया कुछ भी मत पढ़िए, कुछ को भी फॉलो मत नया कीजिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बहुत बार मार खाने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं और किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट इसमें जो है उस पर वीडियो हम बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप इसमें कुछ समझ नहीं पाए, बहुत अच्छा आपको समझ में आया, आप इसी तरह से करने के लिए तैयार हैं, एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।